मेरा गांव मेरा देश, एक करिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज सन 2019 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और मैं आपको एडवांस में ही कल यानी कि सन 2020 के प्रथम दिन की शुभकामनाएं देता हूं। 2020 आपके लिए मंगलमय हो। और अभी मैं आपको डेली खबरों के बारे में जो हमने ट्रेंड चला हुआ है उसी को देखते हुए आज की ताज़ा खबरें आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। रोहतक चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी, कोहरे के बीच रोहतक सबसे ज़्यादा ठंडा शहर रहा और घने कोहरे की वजह से हरियाणा में सोमवार को सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। उत्तर भारत के सबसे ठंडे क्षेत्रों में आज रोहतक 8वें नंबर पर आया है। और चंडीगढ़ से खबर है, लोक संपर्क विभाग में 13 अधिकारियों तबादले हुए, जिनमें 7 DIPRO, 3 APRO समेत 2 अधिकारी भी शामिल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ACSR के खुल्लर ने जारी किए तबादले के आदेश। चंडीगढ़ कड़ाके की ठंड में छुट्टी नहीं करने वाले स्कूलों पर सरकार ने दिए कार्रवाई के आदेश। हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, सभी जिलों का RTO कार्यालय में छापेमारी, CM ने मांगी रिपोर्ट। अम्बाला में भी CM फ्लाइंग का छापा, गैर हाजिर मिले रोडवेज के 57 कर्मी। करनाल प्रदेश भर के प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को एक और मौका, अब 31 जनवरी तक ब्याज छूट के साथ भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। हरियाणा के सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर दिया है और शीतलहर के कारण अब सुबह 9 की बजाय 9:30 बजे दफ्तर खुलेंगे और 5:30 बजे तक उनका समय रहेगा। चरखी दादरी से खबर है, CM फ्लाइंग को नदार्द मिला RTA स्टाफ, भवन परिसर में पड़ी मिली बियर की खाली बोतलें। और नए साल को लेकर हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी, चप्पे चप्पे पर होगी पैनी नजर। रोहतक से खबर, गौतम पर बोले उड़ा, हर बात मीडिया को बताना जरूर नहीं, चर्चा है कि दोनों संपर्क में हैं। गौरतलब है कि राम कुमार गौतम जो JJP से विधायक हैं आजकल पार्टी से खफा चल रहे हैं और सुना है उनकी उड़ा से बात हुई है। तो रोहतक से खबर है, 5वीं नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता, दोनों वर्गों में हरियाणा बना विजेता। चंडीगढ़ जेल से फरलो पर आए अजय चौटाला, करेंगे JJP संकट का हल, OP चौटाला इनेलो के लिए हो जाएंगे सक्रिय। और भिवानी में सर्दी का सितम, जिले पर भारी, सबसे ठंडा दिन सोमवार को रहा, दादरी में पारा 1.8 पर। और भिवानी प्रदेश भर के विद्यालयों के लिए 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर के ऑप्शन 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक भरे जाएंगे। अम्बाला से खबर है, नए साल पर नगर निगम में कमिश्नर पार्थ गुप्ता करेंगे ज्वाइन। और बहादुरगढ़ से खबर है, कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, घंटों की देरी से पहुंची तो परेशान है यात्री। तो इस प्रकार जो ही कोई नई खबर आपको मिलेगी हम आपको जानकारी देंगे। आपका संदेश को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके सदस्य बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।